एक बारी साधन भैया का परिचय करने के बाद पहले अभिभावकों का परिचय कर देते हैं, फिर भैया से सुनेंगे। साधन भैया बेसिकली मानवदीप के संस्थापक भी हैं, प्रेरणा विद्यालय के भी संस्थापक हैं, और आप जैसे आप सभी जानते हैं कि मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन अभ्यास के लिए जो ये स्थली शुरू किया हमने मानवदीप, उसको एस्टैब्लिश करने में भैया की एक बड़ी भूमिका रही, और जिन्होंने ये दर्शन को प्रतिपादित किया है श्री नागराज जी, भैया उनके साथ कई वर्ष रहे और वहाँ से आयुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त किया। और अभी भैया का बैकग्राउंड देखें तो भैया ने स्वयं माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, NIT रायपुर से पढ़े हैं भैया, और जब वो उस समय कंपेटिटिव एग्जाम लिए थे तो भैया ने तब आई थिंक MP छत्तीसगढ़ मिला के एक स्टेट होता था, तो तब भैया ने लगभग 200 की रैंक पाई। तो भैया भी इस पूरे प्रोसेस से अपनी लाइफ में गुजरे हुए हैं, बट कई वर्ष पहले, तो उनसे सुनना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये आगे की जो हमारी जर्नी रहेगी स्कूल के अगले 2 वर्ष की। तो भैया एक प्रकार से संस्थापक भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनकी बिटिया भी क्लास 11th में पढ़ती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैया ने अपनी बिटिया को CBSE स्कूल से निकाल कर यहाँ पर एक CG बोर्ड स्कूल में डालने का निर्णय लिया, और उसमें भी सबसे एक प्रकार से शिक्षा को कैसे होलिस्टिकली देख सकते हैं, जिसमें बच्चे की पर्सनालिटी का भी विकास हो, पढ़ाई का भी हो, और कैसे बच्चा एक उम्र में आके सेल्फ ड्रिवन हो जाए, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, उस पर भैया ने बहुत गहरा काम किया है। तो एक प्रकार से भैया इस पूरे प्रयास का ब्रेन चाइल्ड रहे, तो उनसे सुनने में हमें काफी इंसाइट्स मिलेंगी कि विद्यालय के अगले 2 वर्ष क्या दिशा रहेगी। तो सभी को नमस्ते। विशेष करके जो सूर्यकांत भैया, गोपाल भैया, रविकांत भैया, विकास भैया, अंकिता दीदी, इनकी टीम को विशेष नमस्ते और विशेष रूप से बाकी सभी हमारे शिक्षक हैं। एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ कोचिंग को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दो तीन बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा पढ़ाई को लेकर, कि जैसे ही कोई बच्चा घर में आता है तो माता पिता को बड़ी उससे अपेक्षा होती है, और बच्चे को भी माता पिता से बड़ी अपेक्षा होती है, और बच्चा माता पिता को तो ईश्वर ही समझता है। छोटे में तो कम से कम यही स्थिति होती है। धीरे धीरे सीन थोड़ा बदलता है, बच्चे थोड़े बहुत गलती करते हैं तो भी माता पिता उसको भूलते रहते हैं, माता पिता भी थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी डांट देते हैं तो बच्चे भी फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो इस समय 11वीं 12वीं 10वीं इस कक्षा तक आते आते बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता भगवान भले ही ना हो तो मेरे लिए तो कम से कम सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात उनके मन में बैठी रहती है। और माता पिता भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका बच्चा भले ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ना हो, लेकिन यदि अच्छे से थोड़ी मेहनत कर ले तो शायद बहुत अच्छी जगह बना ले। तो अभी ये सब जो 11वीं 12वीं और 10वीं के बच्चे इस स्थान पर बैठे हुए हैं और हम लोग उनके माता पिता होने के कारण इन चीज़ों को देखते हैं। तो एक तो ये बैकग्राउंड होता है। दूसरा, लोगों को बहुत बार ये लगता है कि बच्चे एग्जाम देंगे और उनका एग्जाम में हो जाए। देखिए, हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ बच्चे होते हैं हमारे देश में जो लगभग 12वीं तक पहुंचते हैं, और उसमें से जो हम जिस अभी नीट और IIT और GE ये सब जो चीज़ों की बात कर रहे हैं वो लगभग 1 लाख सीट, मतलब 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ 49 लाख लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पिता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरी बेटी 1 लाख में आ जाएगी, और हमारे पड़ोस के बैठे सभी हमारे साथी भाई ये ऐसे ही सोच रहे हैं, पर सच्चाई में तो ऐसा होगा नहीं, है ना। थोड़ी सी तो सीन ऐसा नहीं रहेगा, किसी के बच्चे नहीं भी होंगे। लेकिन यदि हम अभी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेटा को एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि एक जो बहुत बड़ा वर्ग वो कोचिंग में जा रहा है, क्या वो कोचिंग कर रहा है, क्या उसमें बात हो रही है? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग तो केवल फीस दे और कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिंदा रखा हुआ है, जिनका और कोई उद्देश्य नहीं।
दूसरा कोचिंग में जैसे ही वो जाता है, स्कूल की पढ़ाई से कोचिंग की पढ़ाई में जब हम जाते हैं तो एकदम से डेप्थ बदल जाता है, बहुत अधिक डेप्थ वहाँ होता है। और कोचिंग में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो अलग प्रकार के शिक्षक हैं, और वो उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जिनका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और तो जो सामान्य या सामान्य से जो थोड़े से कम लोग होते हैं वो उस समय अपने आप को बहुत उपेक्षित भी महसूस करते हैं। और यही 2-3 महीने में जो लगभग 50% बच्चों का जो उत्साह होता है वो भी कम हो जाता है, और माता पिता के भय से, माता पिता के प्रति संकोच के कारण न तो वो कोचिंग छोड़ पाते हैं न वो उसको पढ़ पाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है। चूंकि मैं शुरू से, जब से हमारे छत्तीसगढ़ में कोचिंग या जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ है, तब से मैं प्रकारांतर से उससे जुड़ा हुआ, तो उसको मैं देखता हूँ। तो हम लोग अभी बहुत विचार विमर्श किए कि हम अभी कोचिंग क्यों करा रहे हैं, क्या हम डायरेक्ट कोचिंग कराएंगे, कॉम्पिटिटिव कोचिंग या कुछ और। तो बहुत सोच समझ के, और खासकर सूर्यकांत भाई, गोपाल भाई, रविकांत भाई, इन लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये समझे कि अभी हम एक स्टेप बीच वाला कर लें कि बच्चों की डेप्थ बन जाए। और यदि डेप्थ बन जाए और मान लो उसका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी वो पूरी जिंदगी काम में उसके लिए आता रहेगा, क्योंकि डेप्थ में एक बार चीज़ों को देखने का यदि अभ्यास हो जाए तो जिंदगी बहुत बड़ी है और उन्हें कभी भी सफलता मिल सकती है, एक बार जिंदगी में वो गहराई वो पा जाए। दूसरा एक कारण और है कि पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई नहीं। हम लोग प्रेरणा विद्यालय में, मुझे लगता है कि भारत में तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किया, लेकिन चूंकि माता पिता के पास उतने फ़ोन की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, जिनके पास थी भी तो वो शंकावश अपने बच्चों को नहीं दे पाते थे, एक ये भी रहा। और दिया भी जिन लोगों ने किया वहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रास्पिंग है सामान्य की तुलना में 10%। तो पहला साल तो बहुत ही खराब गया, दूसरा साल भी हमने जब अगस्त से ही हम लोगों ने कक्षा शुरू कर दी, उसके बावजूद कक्षा उस प्रकार की नहीं हुई और बच्चे काफ़ी कुछ भूल गए थे। तो हम लोगों ने इसको ऐसा माना कि हम एक बीच की स्थिति शुरू करें जहाँ पर बच्चे में डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाए, और यदि बच्चों का मन उस दिशा में जाता है तो फिर हम और आगे के लिए इस पर हम प्रयास करेंगे आगे के वर्षों में। तो एक बड़ा जो चीज़ है मेरे देखने में ये चीज़ आई। एक और चीज़ है, मेरी बेटी जैसे मृदु दीदी ने बोला कि पहले CBSE में थी और CBSE से हम उठा के यहाँ पर उनको लाए हैं। एक तो हम लोग भी यहाँ जब प्रेरणा विद्यालय को शुरू किए थे, हमारा योजना पहले CBSE का ही था और उसी पैटर्न में हम लोगों ने शुरू किया। और मेरी बेटी पहले से भी CBSE में पढ़ी हुई थी, वो मध्य प्रदेश का बहुत अच्छे स्कूल में उसकी गिनती है। और ये सब देखने के बाद हम ये पाए कि जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ाने में, जो CBSE पैटर्न में जो पुस्तकें बनी हुई है, NCERT की जो पुस्तकें हैं, उसको पढ़ाने में टीचर्स को बहुत तकलीफ होती थी। और सभी टीचर्स सभी स्कूलों में कोई ना कोई प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तक रखते थे और उससे वो काम करते थे, क्योंकि वो बहुत ही इनोवेटिव प्रकार का पढ़ाया। तो मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही CBSE का जो NCERT की पुस्तकें हैं वो काम नहीं की, और सब लोग दूसरे प्रकार की पुस्तकें पढ़ाते रहे और ये समस्या हमें भी यहाँ पर आई। एक तो ये कारण है। दूसरा, इसी वर्ष आखिरी में ये घोषणा हो गई कि 9th, 10th, 11th, 12th में सारे भारत में एक ही प्रकार की शिक्षा को कर दिया जाएगा और उसमें NCERT की ही पुस्तकों को पढ़ाया जाएगा। उससे हम लोगों को बहुत राहत मिली, क्योंकि NCERT की जो पुस्तकें हैं वो भारत में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं, आज से नहीं, ये मैं पिछले 40 साल से देख। और यदि कोई IAS बनता है तो भी उस पुस्तकों को पढ़ा होता है, यदि वो और किसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गया है, चाहे NEET गया है, चाहे वहाँ गया, तो भी वो NCERT की पुस्तकों को पढ़ता है। तो हम लोग को एक बहुत बढ़िया अवसर मिल गया कि NCERT में हमको डेप्थ बना लिया जाए, तो बच्चे आगे जाकर चाहे वो इंजीनियरिंग जाए, चाहे वो मेडिकल जाए, या चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए या MBA वगैरह करें, उन सब में उनका एक बेस अच्छा हो जाए। तो इस आशा से हम ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चों का बेस अच्छा हो, और उसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई है, उनके पढ़ने के अलग अलग टाइम टेबल बनाए हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम को कर रहे हैं। और विकास भैया हैं, रविकांत भैया हैं, गोपाल भैया हैं, सूचना भैया, जिनके लंबा एक्सपीरियंस है इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाने, और बिल्कुल नए जो चीज़ें हैं उससे भी जुड़े हुए टीचर को हम लोगों ने अभी इसमें जोड़ा हुआ है, जो अभी अभी इससे निकले हुए। तो एक प्रकार का इस समय क्या चल रहा है और आगे लंबे समय तक क्या चलेगा,
इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कुछ काम कर पाएंगे, इस आशय से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ। और पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने इसको देखा कि इन बच्चों में इस ढंग से पढ़ने में उन्नति। हम लोग यहाँ पर मानव तीर्थ में रहते हैं और मैंने कभी भी अपनी बच्ची को कभी भी नहीं बोला कि आप पढ़ के फर्स्ट नंबर आओ, आज तक नहीं बोला, ना यहाँ के किसी बच्चे को बोला। लेकिन एक बार जब इनसे मैंने चर्चा किया कि भाई आपका कोर्स कितना है, आपको सिलेबस कितना है और आपको कितना पढ़ना है, 100% पढ़ना है कि 75% पढ़ना है कि 50% पढ़ना है, तो सबने बोला 100%। 100% पढ़ने के लिए आपको कितने दिन रोज पढ़ना चाहिए, रोज कितने पेज पढ़ लोगे। इस ढंग से जैसे ही हम लोगों ने उसके बैक कैलकुलेशन किया तो प्रतिदिन कितना लोड है वो बच्चे के समझ में आ गया, और एक दिन मिस करेंगे तो उसके अगले दिन कितना लोड बढ़ेगा वो समझने लगा। और इस प्रक्रिया से बच्चे जो है स्वयं ही मोटिवेटेड हो गए और खुद सारे बच्चे 4-4 बजे उठ के पढ़ने लगे, तो बहुत अच्छा एक वातावरण बना। और संयोग रहा कि हमारे स्कूल को ही इस बार पहली बार हम बोर्ड में उतरे और हमारे कम बच्चे होते हुए भी हमारे स्कूल को बोर्ड का सेंटर ही बना दिया, तो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होती गई और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिजल्ट आएगा तो और पता चलेगा, लेकिन इनका पढ़ने में मन बना है, बहुत अच्छा डेप्थ बना है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और यही चीज़ अभी हम 10th के जो बच्चे हैं उनमें भी हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के जो हम शिक्षा देने के तरीके को जैसा हमने स्कूल में और मानव तीर्थ में और जो कोचिंग में किया है, इससे एक आशा की किरण मुझे भी आई है कि हमारे सारे बच्चों में एक डेप्थ आएगा और वो निश्चित रूप से भविष्य में जाके सफल है। तो इतना ही मेरा निवेदन है, बाकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद भैया। निश्चित रूप से मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आशय है वो यही है कि बच्चों में डेप्थ बन पाए और उस डेप्थ को लेकर वो आगे बढ़ पाए, किसी भी आयाम को जो वो छूना चाहे उसको फिर वो छू सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के साथ अभी मैं चाहूंगी कि हमारे जो सभी मेंटर्स हैं उनका भी हम मंतव्य इन मुद्दों पर सुने। ये लोग आज की पीढ़ी के साथ बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और इस प्रक्रिया को डेली अपनी लाइफ में करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनके कंसर्न्स देखना, उनके पेरेंट्स के कंसर्न्स देखना, कहाँ बच्चे अटकते हैं, कहाँ वो सफलता पाते हैं, क्या इसके की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं रविकांत भैया को आमंत्रित करना चाहूँगी। रविकांत भैया भी झारखंड में स्थित हैं अपने परिवार के साथ और हमारे ओवरऑल और साथ में नमस्ते सभी को। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे हैं और पेरेंट्स सभी थोड़ा इस बात को समझे अच्छे से कि एक तो जो पढ़ाई है वो तो कुछ मतलब एक कैरियर को लेकर के भी है कि जैसे हम जैसे एक स्कूलिंग सिस्टम को देखें तो ये हमारा स्कूलिंग सिस्टम 11-12 तक चलता है। जैसे क्लास 1 से लेकर 12 तक बच्चे लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, ना माता पिता को सोचने की जरूरत है। 12th के बाद जो ऐसा स्कूलिंग सिस्टम है जो कि मतलब जनरली अब हर जगह जो अवेलेबल है, ऐसा स्कूलिंग सिस्टम जो है 12th के बाद अवेलेबल है नहीं। जो कॉलेज सिस्टम है उसके लिए आपको जो है वो अब अपनी जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। मतलब यदि आप साधारण रूप में यदि BSc MSc या BA MA नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इंजीनियरिंग यदि मेडिकल करना है तो आपको अपनी जगह से छोड़ के बाहर जाना होता है और वहां के लिए आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होता है। तो ये एक मुश्किल है कि बेसिकली 12th तक के लिए जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है उससे एक डिफरेंट व्यवस्था में अब जाना है और उसके लिए कंपटीशन ही एकमात्र उपाय है, ऐसा अपने को दिखता है। तो मुझे एक चीज ये लगता है कि कंपटीशन के लिए तैयारी किया जाए लेकिन उसके लिए बहुत प्रेशर बच्चों पे इस तरीके से नहीं किया जाए कि यदि इसमें सफल नहीं हुए तो जिंदगी से मतलब वो हो गया कि जिंदगी असफल हो गया, ऐसा जो है कि ना तो अपने सोच विचार में होना चाहिए ना ही बच्चों पे इस तरीके का प्रेशर डालना चाहिए। मुझे उसके उल्टा जो लगता है कि जो बेसिकली हमारे सोचने की जो शक्ति है वो सोचने की शक्ति कैसे डेवलप होती है, तो सोचने के लिए यदि हम अपनी कोई वस्तु मिल जाए जिस पर हम उस क्रिया को सोचने की क्रिया को कर पाए
उससे उसके सोचने की शक्ति डेवलप होती है। तो मुझे ये जो 11th 12th का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, ये एक अच्छा चीज मुझे लगता है, जिसपे हम बेसिकली सोचने के लिए हमारे को बहुत सारी वस्तु मिलती है, जहां पर हमारा जो इमेजिनेशन है या थिंकिंग एबिलिटी है अच्छा डेवलप हो सकता है, जो हमारे को हर जगह काम आएगा। हो सकता है कि हमें किसी भी एग्जाम में सफल ना हो, लेकिन यदि हमने इसमें सोचने का काम किया है तो ये एक योग्यता हमारे में डेवलप हो जाएगी, जो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक अच्छा एक मतलब एक कहें कि जो अपने लाइफ में हम क्लास 10th तक भी देखेंगे तो बहुत सारे गणित मैथ हमने सीखा ही, जिसमें हमारे सोचने की क्षमता डेवलप होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 11th 12th में ऐसे आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप फिजिक्स कहें या केमिस्ट्री कहें या मैथ्स कहें, जिसमें आपको काफी सोचना पड़ता है, काफी चिंतन करना पड़ता है, इस तरीके की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चिंतन मनन करना पड़ता है, जिससे वो समझ में आता है। वो समझने की क्षमता को डेवलप करने के लिए एक अच्छा टूल है, इसको आप सभी लोग प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि आप इसको एंजॉय भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ इससे जो आपकी योग्यता डेवलप होगी, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलना है या फिर अपने भविष्य के प्रति जो भी योजना बनाना है उसमें भी सहायता मिलेगी। इतना ही बात मैं करना चाहूंगा जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि एक चीज जो हमने भी नोटिस करी शिक्षा में कि एक शुरू में जब बच्चा आता है तो उसमें वो सोचने वाला प्रवृत्ति दिखता है, फिर जैसे जैसे पढ़ने लगता है, जिस प्रकार से विद्यालय का अप्रोच रहता है, बच्चे में सोचने की प्रवृत्ति ही बंद हो जाती है। तो वो प्रवृत्ति को बनाए रखें और उस प्रोसेस में उसको मजा भी आता है और सब्जेक्ट में मन भी लगता है, तो वो होता है तो बाकी तो गाड़ी अपने आप चलती ही रहती है, और उसमें वो एफर्ट लगाता है तो जिस चीज को वो पाना चाहे उसको वो पा ही पाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही लगती है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विकास भैया को आमंत्रित करना चाहूंगी। विकास भैया भी अभी झारखंड में है और वहाँ पर उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है और भैया हमें केमिस्ट्री में गाइड कर रहे हैं। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। आवाज आ रही दीदी हमारी? हाँ बिल्कुल। सभी अभिभावकों और बच्चों को नमस्ते। तो वस्तुतः जो ये रखनी है कि अभी जो हम लोग प्रेरणा विद्यालय में जो कोचिंग के लिए नया एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, उस पे किस तरह से आगे बढ़नी है। तो वस्तुतः खासकर जो अभी जो बच्चे हैं और अभिभावक ही, उनसे मेरा आग्रह ये होगा कि सबसे पहले बच्चे तो अपने इंटरेस्ट को देख लें कि हमारा इंटरेस्ट किधर है, किस तरह है। अगर उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तभी वो अपने इस फील्ड को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए। अन्यथा अगर और भी दूसरे में है तो उसको भी आप देख लें, अगर दूसरे में अगर कहीं इंटरेस्ट है क्या, क्योंकि आपको कभी भी किसी चीज का ये नहीं लेना होता, बर्डन नहीं लेता, बोझ नहीं लेना होता है कि नहीं ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको स्वयं में इच्छा नहीं है, खासकर बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर स्वयं में इच्छा नहीं है, किसी के दबाव में कर रहे हैं, कोई दोस्त ने, हमारे आस पास के दोस्तों ने जो है साइंस ले लिया, उसके कारण ले रहे हैं, या अगर पिताजी कह रहे हैं साइंस ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, आप अपने से डिसीजन लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आने वाले समय में साइंस बोझ हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट है तो साइंस से अच्छा कुछ नहीं, ये भी बात है, तो आप इसको देख लीजिए। दूसरी बात है कि अगर आप, हम सभी जितने भी बच्चे हैं जो साइंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, ये चारों ना रखें, ये चारों रखेंगे तो बहुत बोझिल हो जाएगा, फिर आप इसको कंटेन, इसको आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई कुछ कुछ गार्जियन क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब ले, नहीं बेटा क्या है, अगर वो बायोलॉजी नहीं हो सकेगा, मेडिकल नहीं हो सकेगा तो इंजीनियरिंग में चल जाता, ऐसा होता नहीं है, दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ही सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ हो और बायो हो, ये दोनों ही महारथी, इसीलिए एक साथ इसको नहीं हैंडल कर, एक साथ नहीं रखना, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। दूसरी बात है, जो बच्चे अभी ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उनसे
आग्रह होगा कि आप और प्रेरणा विद्यालय से भी आग्रह होगा कि वहाँ के जो ये हैं एक रूटीन वर्क में दे दें कि हर इतना जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर अगर आप सही से अगर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि तो बहुत अच्छा मतलब 10 तक का क्या बैकग्राउंड रहा है ये तो बहुत अच्छा हमें नहीं पता, लेकिन इतना है कि अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा भी रहा है तब भी आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे है ना, तब जाके आपको हो सकेगा। और 10 घंटे में आपको ऐसा पढ़ना है कि आप देख लीजिए कम से कम 2.5-2.5 घंटे जो है आप इस केमिस्ट्री बैच को दीजिए और फिर आपका जो है 1.5 घंटे या दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है या और भी कंप्यूटर साइंस है इकोनॉमिक्स जो भी रखते होंगे उसमें भी आप 2-2.5 घंटे समय स्कूल को लेते हुए, मान लीजिए अगर स्कूल को हम 1 घंटे हम स्कूल में 50 मिनट की क्लास होती है आज केमिस्ट्री की तो और कोचिंग में भी मान लीजिए आज 1 घंटे की क्लास हुई तो फिर हमको क्लास में जो है मतलब हमको फिर मतलब घर में जो है मान लीजिए 1/2 घंटा हमें पढ़ना है, लेकिन अगले दिन अगर नहीं क्लास होती है तो अगले दिन हमको 2.5 घंटा पूरा का पूरा देना है। ठीक, दूसरी बात यह है कि बच्चा पूरा मतलब जैसे अभी जेई मेंस या इंजीनियरिंग का है या तो मेडिकल का है, ये सही बात है कि अभी के समय में धीरे धीरे कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि बच्चा निकाल नहीं सकता। और दूसरी बात इस बात का बच्चे खासकर ध्यान दें कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी टीचर्स है ना कंपटीशन नहीं निकलवाते, बच्चे ही निकालते हैं। तो आप जितना अच्छे से अपना ही करोगे, हम लोग गाइड करेंगे हर बच्चे जो होंगे ऑनलाइन 11th के बच्चे, अगर आपका इंटरेस्ट है जेई में निकालने का, जेई इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का या मेडिकल कंप्लीट करने का, हम सभी गाइड करेंगे है ना, करना आपको है। क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा जो एक भाई था मतलब 2011 में वो 11 का पास आउट 11-10 पास किया था, तो उस समय जो है मतलब उस अपने भाई मेरे भाई के स्कूल में 10th बच्चे थे जो टॉप से मतलब उसमें 10 पॉइंटर होता था, 10 पॉइंटर 10 बच्चों का आया था और उस 10 बच्चों में ना मतलब 7 से 8 बच्चे जो है बाहर चले गए और एक बच्चों को मतलब मेरा भाई और एक और था उसको मैंने कहा कि मेरे पास ही रहो हम कर लेंगे तुम्हें। तो फिर हम जो गाइड करते थे बाद में कि वो सेल्फ इतना वो मोटिवेटेड था कि हमें करना है तो कर लिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा उसको 5G में ऑप्शन मिला था कि 5G में उसको 90% उसको ये मिल रहे थे कि स्कॉलरशिप, लेकिन फिर भी वो नहीं गया, बस मेरे गाइडेंस में रहा और साथ साथ उसने सेल्फ मोटिवेटेड था कि मुझे IIT में जाना, तो चला गया। इसलिए बच्चे अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो बेस्ट होगा, वो आप कुछ भी कर सकते। दूसरा अगर मान लीजिए नहीं भी होता है इंजीनियरिंग मेडिकल तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना गहराई से तो देखिए इस बात का ध्यान रखिए खासकर बच्चे जो हैं वो कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो उसमें डिप्थ में पढ़ें अच्छे से पढ़ें है ना, मतलब आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा कि ज्ञान ही ना हो ना, इसका ध्यान रखिए। तो और ऐसा तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़ोगे तो एग्जिस्टेंस में एक्चुअली में जो आपको कम से कम बायोलॉजी या जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी हैं, मैथ तो खैर एक्चुअली में मैथ्स बताओगे तो मैथ एक्चुअली में साइंस का पार्ट नहीं है, मैथ्स तो जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को समझने का टूल है, उसके बिना मैथ साइंस समझा नहीं जा सकता, मैथ्स में तो हर जगह आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप समझेंगे, अगर डिप्थ में समझेंगे तो बहुत आगे, अगर इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं भी होता है तो आगे इसकी जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए सभी बच्चों से आग्रह होगा कि आप मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होकर के पढ़िए है ना, इतना ही कहेंगे, बाद बाकी हम लोग साथ में रहेंगे ही है ना। फिर ठीक है दीदी, इतना ही रखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस दिखता जब आप बात करते हैं, भैया के कई स्टूडेंट यहाँ मानव की भी अध्ययन कर रहे हैं तो भैया के बारे में अब कुछ जानकारी मिलती रहती है। एक जो बच्चों के साथ कनेक्ट होता है और उनके इंटरेस्ट को भाप पाना और अकॉर्डिंगली गाइड कर पाना भैया के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो आप भैया ज्यादा सीख करेंगे आपकी रहेंगे बच्चों को गाइड करते रहेंगे उसमें ये नहीं है, और जैसे भी बच्चे जिस तरह से कनेक्ट हो पाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कनेक्ट रहेंगे चाहे जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या तो जैसे भी हो, जिस तरीके से आप कनेक्ट करवा पाएंगे हमसे कनेक्ट करवा देंगे, हम उसको करते रहेंगे।
लास्ट एक बार ही रेखा दीदी पूरा टाइम टेबल भी शेयर कर देंगे तो आइडिया भी मिल जाएगा कि बच्चों के साथ। हाँ दीदी, वो टाइम टेबल बनाना जरूरी है किस तरह से वो है ना, क्योंकि अगर नहीं होता ना टाइम टेबल फिर गड़बड़ हो जाता है। तो एक जो है हर दिन, जो है हर दिन का टाइम टेबल होना चाहिए और 10 घंटे तो कम से कम अभी से बना के रखिए। सब सुन रहे ना बच्चे, 10 घंटे का टाइम टेबल का आपको टारगेट है, या हम तो उनको 6 घंटे देते हैं, उनको फिर और जल्दी उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा। 6 घंटे से नहीं होगा, सब कुछ ले करके है ना। हाँ सब कुछ, स्कूल कोचिंग ले करके 10 घंटे पढ़ना, ऐसा नहीं है कि अलग से। अच्छा टोटल 10 आवर्स। उसको 12 घंटे कर देने। 12 घंटे ठीक है, थैंक यू। अब मैं सूर्यकांत भैया को आमंत्रित करना चाहूंगी। सूर्यकांत भैया पूरे प्रोसेस के अगर मैं सही रूप में बताऊं तो भैया ही इसके मेन करता धरता है, वो ही हमें गाइड कर रहे हैं। मैं स्वयं कोचिंग नहीं करी, मैंने साइंस जरूर पढ़ा बट मेरी मदर ने मुझे काफ़ी डिस्करेज किया कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी तो वो खुद भी डॉक्टर थी तो उन्होंने कहा इस लाइन में मत जाओ, बड़ा मुश्किल होगा, देखती हूँ मैं कैसे नाइट ड्यूटी करती हूँ, बट मत कर। तो मैं कभी उस लाइन में गई नहीं, बट अब जब बच्चों की वीडियोस देखती हूँ और इनको पढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरा मन करता है फिर से पढ़ूं, क्योंकि वो पढ़ाई है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल भी लगती है। तो इस पूरे प्रोसेस को सूर्यकांत भैया ही गाइड कर रहे हैं, इसका एक एक कदम, क्या चीज़ पढ़ानी, कैसे टाइम टेबल, हर एक चीज़। तो भैया अब आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि कैसे आप हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं और पेरेंट्स इसमें क्या हेल्प कर सकती है पेरेंट्स और टीचर। जी दीदी, सभी को नमस्ते। मैं थोड़ा सा जो अपने जो एक स्क्रीन शेयर किया हूँ, दिख रहा है क्या सबको ये? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार बच्चों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि अगले 2 साल तक जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें आप ये 3 चीज़ों को निश्चित कर लेंगे तो आप पढ़ाई करते समय कभी भी किसी भी डाउट में आएंगे तो आप इनको, मतलब पहले से निश्चित कर चुके हैं तो आप इनको रिफ़र कर सकते हैं। तो पहला तो है आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा है आप कैसे पढ़ाई करेंगे, और तीसरा आप क्या पढ़ाई करेंगे। ये चीज़ों को आप अगर अभी से निश्चित करते हुए चलेंगे, बीच बीच में वो चेंज भी होता रहेगा पर उसको हमेशा निश्चित ही करते चलिए, कभी भी उसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। उसको लेके कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप बड़ों से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, पर उसको खुद ही निश्चित करना है। बाकी जो भी अपन फीडबैक ले रहे हैं उसको खुद ही कंफर्म करके डिसीजन लेना है अपने को। तो पहले अपन देखते हैं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ जब भी कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो ये मोटा मोटी आंसर देते हैं कि नॉलेज गेन करने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए, और फैमिली और सोसाइटी के लिए यूज़फुल होने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के आंसर्स मुझको मिलते हैं। तो जब हम इस तरीके के कारण के लिए स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो अभी अपना शॉर्ट टर्म जो 2 साल का है, 11वीं और 12वीं का जो कारण है पढ़ने का, तो 11वीं और 12वीं पढ़ने के कारण में अपने को 2 कारण मिलते हैं। एक तो हम 12th बोर्ड क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो भी हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हमारे जनरली कॉमन रहेंगे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें आप निश्चित रहेंगे कि आपको 12वीं भी पास करना है, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वो आपको अभी पास करना है या अगले साल पास करना है, मतलब 2 साल के बाद 1 साल गैप लेके पास करना है। क्योंकि जितने भी रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं उनमें एंट्री के लिए आपको ये दोनों चीज़ों का क्लियरेंस चाहिएगा, ठीक है। तो वाई को इस तरीके से आप फिक्स कर दिए, उसके बाद फिर आप हाउ में जब जाएंगे तो हाउ में आपका पढ़ाई करने के लिए पहले तो आप क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे। क्लासरूम में जो भी आप पढ़ाई करेंगे उससे बेसिस पे आप घर में भी पढ़ाई करेंगे और घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट और मतलब क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट और फुल टेस्ट, बहुत सारे प्रकार के टेस्ट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपका पार्ट होगा। इन सबको आप कैसे हैंडल करेंगे, किसको कितना समय देंगे, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें हाउ में आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद हाउ में एक और पार्ट आता है जो कि
थोड़ा सा इंटेंजिबल पार्ट है, इसमें हम ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि हम कंसिस्टेंसी रखें, कंसंट्रेशन और फोकस बना के रखें, डिटर्मिनेशन रहे हमारा, क्योंकि जो हमारा वाई है वो हमारे ध्यान में रहेगा तो डिटर्मिनेशन बना रहेगा। साथ में डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एक हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़े उसके बाद दो हफ्ता तक आराम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हमको वर्ड्स लगते हैं लेकिन जब अपन करने जाते हैं तो ये एक्चुअल में कुछ ट्रेट्स हैं, जिन ट्रेट्स को अपन अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर अपन कभी भी लाइन से भटक रहे हैं तो हम उस पर वापस आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना क्या है में दो पार्ट्स रहेंगे, एक तो आप जो रीड कर रहे हैं जहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, और दूसरा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं हम, है ना। तो रीडिंग के लिए आप अपनी बुक्स को डिसाइड कीजिए, क्लास नोट्स आप अच्छे से बनाइए, एनसीईआरटी आपको हमेशा ध्यान में रखना ही है। तो रीडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ आप फिक्स करके रख रहे हैं, उन चीज़ों को आप फिक्स करके रखिए। प्रैक्टिस के लिए भी इस तरीके से अलग तरीके की बुक्स रहेंगी, उन बुक्स को आप फिक्स करके रखिए, मटेरियल्स को आप फिक्स करके रखिए, और पिछले साल के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी आप फिक्स करके रखिए। तो कुल मिला के इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा और आपका एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इतना मुझको बच्चों से बोलना था। अब थोड़ा सा मैं पेरेंट्स के साथ बात कर लेता हूँ, क्योंकि लगभग 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि बच्चे एक बार फिर भी बहुत जल्दी से डेविएट नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का डेविएशन जो है वो बीच बीच में बहुत होता रहता है बच्चों को लेके। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल में हैं, तो घर में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है या जो भी आगे पीछे हो रहा है वो उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। बाकी पेरेंट्स का एक जो सपोर्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चों को वो लगातार मोटिवेट करते रहें, है ना। इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई करें, बस इसलिए कि वो खुश रहें, है ना। उनको बार बार ये बताते रहें कि हम आपकी जो भी एफर्ट्स हैं उनसे संतुष्ट हैं, अगर आप और एफर्ट लगाओगे तो और अच्छी बात है, उसमें हम कोई सहायता कर सकते हैं तो हमें बताओ, बस इस तरीके की चीज़ें। और तीसरा, बच्चों के साथ आप रेगुलर कन्वर्सेशन करते रहिए। कन्वर्सेशन में आप बस उनसे पूछते रहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने आज क्या पढ़ा, कौन सा टीचर आपको बढ़िया लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगता है, तो उनसे थोड़ी सी बात करते रहिए, उनके दोस्त बनिए। तो वो मतलब उनका एक तरीके से प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि अदरवाइज वो काफ़ी प्रेशर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी पढ़ाई के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप उनसे बात करते रहेंगे तो फिर वो प्रेशर रिलीज रहेगा आपको बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को इस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नॉलेज जनरली नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी पहले पढ़े होते हैं और दूसरा उनका इस तरीके का मतलब एक्सपोजर भी बहुत नहीं रहता है, तो वो पढ़ाई के संबंध में ज़्यादा गाइड करने से दूर रहें तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और टीचर्स के लिए भी अच्छा होता है। नहीं तो एक टीचर्स कुछ गाइड कर रहे होते हैं, बच्चे किस तरीके से चल रहे होते हैं, पेरेंट्स अगर बीच में अपने इनपुट्स भी देने लग जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो पेरेंट्स को अगर कोई इनपुट देना है तो वो टीचर्स को दें डायरेक्टली, बच्चों को पढ़ाई के बारे में इनपुट्स कम ही दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस मुझको इतना ही बोलना है, बाकी फिर बच्चों से बात होती रहेगी, हर महीने कम से कम एक बार तो मैं आऊँगा ही, और उससे आगे भी जब कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स तो लगातार व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत ही बढ़िया रहा दोनों बच्चों और अभिभावक के लिए बहुत सारा इंसाइट। मैं सोच रही थी हॉस्टल के लिए तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो आपने बोला है अभिभावक के रूप में, तो मैं ये बात बिल्कुल ध्यान में रखूंगी। साथ ही में अब आगे बढ़ते हैं, अंकिता दीदी हमारे साथ हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग जो बात शेयर करी थी कि ये ना प्रयास नाम के प्रोजेक्ट में लगी है, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जिन बच्चों को बैकग्राउंड में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं मिला उनको अब वो वातावरण इतने लेट स्टेज में उपलब्ध कराना और उनको उस मुकाम तक पहुँचा पाना में कितना प्रयास लगता होगा और कितना डिटेल में टीचर्स सोचते होंगे कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, तो दीदी का उस लेवल का एक्सपोजर है। तो दीदी आपको आमंत्रित करूंगी कि आप भी अपनी बात रखें,
आपने ये भी बोला था कि आप कुछ बच्चों से सुनना चाहेंगे, तो आप अगर बोले तो अभी बच्चों से पूछ सकते हैं और फिर आपका मंतव्य सुन सकते हैं, या आपका सुनने के बाद बच्चों से प्रश्न ले सकते हैं। जी दीदी नमस्ते, मैं बच्चों से एक बार जानना चाहूंगी कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या उनकी सोच है इस बारे में, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है बढ़िया। तो देखे थे कौन अभी तक बोले। ठीक है भाग्य बेटा से शुरू करते हैं। भाग्य बेटा अंकिता दीदी जानना चाहेंगे कि आप मतलब क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर और अपने आगे की पढ़ाई को लेकर, अभी जो भी आप फेस कर रहे हैं उसको। भाग्य बेटा अभी मुझे भी क्लियर नहीं है कि मैं क्या क्या करूं, अभी मैं सब समझ रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर अभी साइंस ही सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, तो मैंने वही चूज किया। ओके तो आपको साइंस क्यों लेना है? पहले तो मुझे काफी इंटरेस्ट आता था कि न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वही रीजन था। अच्छा ठीक है दीदी, आपके पीछे भी एक दो बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ उन पर भी आएंगे, मैं सोची थी अल्फाबेटिकली चलो तो किसी को भूलूंगी नहीं। ओके ओके ठीक है माही बेटा जी आप भी शेयर करो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है आगे को लेकर? अभी मेरा भी ऐसे बहुत क्लियर तो नहीं है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, अभी इतना क्लियर हो गया कि आगे मेडिकल फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि कभी मैं खुद को फील होता है कि लोगों की जब सेवा करते हैं या जब लोगों के साथ रहती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसे बहुत बार तो नहीं होता पर ऐसा खुद को लगता है, और मेडिकल जितने भी बायोलॉजी में नए नए चैप्टर्स उन सबको देख के इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर अभी फिलहाल ऐसे बहुत नहीं है, पर एक है कि बायो लेके आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, अंकिता दीदी ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, कुछ और स्पेसिफिक आप क्वेश्चन? नहीं दीदी बस मुझे तो जानना था, मैं जान ली। अच्छा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ बच्चों को, सूर्यकांत सर हैं, रविकांत सर हैं, सब लोगों ने आपको काफी चीजों की इन्फॉर्मेशन दे दी है ना। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग क्लियर नहीं हो कि आपको क्या करना है, है ना, तो इसलिए आप जब पढ़ाई करोगे आगे, जब आप साइंस अगर आप ले रहे हो, है ना, तो साइंस के आपके पास बेनिफिट वैसे तो देखोगे बहुत है। जब हमारे पास, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे मैं शेयर करूँ, मैं जब मैं प्रयास में जाती हूँ तो हमको वहाँ पर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब वो ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता कि साइंस क्या है, बायो क्या होता है, बस वो आ गए हैं एट्थ और नाइन्थ से, वो आते हैं यहाँ पर, फिर वो धीरे धीरे जानने लगते हैं। तो अब वो बच्चों को जब हम उनको समझाते हैं तब उनको समझ में आता है कि अच्छा कि मेडिकल लाइन ये होती है या इंजीनियरिंग की लाइन ये होती है या कोई और दूसरा कोई सब्जेक्ट लेकर हम ऐसा कुछ बन सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग अपना इंटरेस्ट देखो, और जरूरी नहीं है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही करना, मतलब मैं ये बोलूंगी कि आप लोग साइंस से अगर जुड़ते हैं तो साइंस के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आगे जाने के लिए, कि बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं, है ना, और साइंस आपको एक डेली लाइफ से कनेक्ट करके रखता है, कि जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप डेली लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते ही हो, केमिस्ट्री है, बायो है, बायो तो आपकी ह्यूमन बॉडी आपको सब चीजें बताती है। तो जो भी आप पढ़ो, जो भी आप डिसाइड करो, उसको अच्छे से आप फॉलो करो, उसको आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपके लिए सब चीजें नई रहेंगी, है ना, और दिक्कतें भी जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। तो मैं यही बोलूंगी कि अच्छे से उसमें मेहनत करो, बाकी हम तो हैं आपको गाइड करने के लिए, जैसे हम वहां पर भी बच्चों को यही करते हैं कि बच्चों को जब कुछ समझ नहीं आता, वो सब चीजों को पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है, क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा इससे, हमारा काम फिजिक्स का क्या है मेडिकल कॉलेज में जब हम जाएंगे तो, या हम किसी और ऑप्शन को लेते हैं तो हमको केमिस्ट्री का क्या काम आने वाला है। नहीं, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना, और बस यही कि फोकस रहकर आपको स्टडी करनी है, और
बस बाकी तो फिर चीजें सारे मेंटर्स ने आपको बता ही दी हैं। और स्पेशली अगर मैं बायो के लिए बात करूं तो बायो में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोग को, क्योंकि बायो हमको ऐसा लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है और उसको हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे, हम थोड़ा सा पढ़े समझ में आ गया। नहीं, बायो टफ है, बायो को समझना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बायो एक लर्निंग सब्जेक्ट भी है, तो आपको जितनी चीजें याद रखनी होती है ना उसपे, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन होता है आपके पूरे आपका ये जो आप कोर्स तो आप लेते हैं नीट के लिए जब आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स है केमिस्ट्री आप कंसेप्ट देखोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन बायो में ऐसा नहीं चलता। तो दोनों तरीके से आपको उसके ऊपर वर्क करना होता है और मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यू रीडिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, स्पेशली बायो के लिए। रीडिंग जितना अच्छा आप करते हो उतना अच्छा आपको क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपकी बुक में कहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आपकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी और प्लस आपका जो रिजल्ट है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। तो मुझे बस यही बोलना है, बाकी तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ हमेशा, जब भी मेरी नीड है मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमें डेफिनेटली आपको हम वंस अ मंथ मिल पाए हमें ऐसी अपेक्षा है और अच्छा भी लगेगा और बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। और मुझे लगता है गोपाल भैया शायद चले गए हैं, गोपाल भैया जो मैथमेटिक्स के मेंटर हैं हमारे, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो आज मुझे लगता है लगभग जिन हमारी पूरी मेंटर टीम से हम सुनना चाह रहे थे उन सबका वक्तव्य हो गया, और बाकी अब हम अगर कुछ प्रश्न है पेरेंट्स के या बच्चों के उसको आप ले सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मेंटर्स और जो अध्ययनार्थी हैं वो उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करें और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी। ठीक है, तो किसी के कोई प्रश्न है? किसी भी पेरेंट्स के या बच्चों के लोगों के भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे अंकिता मासी जी से ये पूछना है कि जैसे बायो आप बोले कि हमको कंटिन्यूअस रीडिंग उसकी करनी चाहिए, तो फिर अगर उसमें जैसे जब हम नया चैप्टर पढ़ते तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखा है, तो फिर वो रीडिंग के लिए बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब समझ ना आए तो भी हम नए चैप्टर्स की रीडिंग करते हैं कि जो हमने पढ़ लिया है हम उसी की ही रीडिंग कंटिन्यूअस करते हैं? हाँ जी बेटा, तो देखो जो आप नहीं पढ़े हुए हो ना वो तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला है ना, तो उसके लिए आपका काम ये है कि आप अपने टीचर से आप पूछें, आप हमसे पूछें कि आपको जो नहीं बन रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ बात आती है कंटिन्यू रीडिंग करने की, तो आपको उन्हीं चैप्टर्स की कंटिन्यूसली रीडिंग करनी है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी मस्ट होती है, अभी जैसे साजन भैया ने भी बोला कि एनसीईआरटी अब तो हम हर एक कोर्स पे हम उसको फॉलो करते हैं ना, हमको कोई भी एग्जाम देना तो हमको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। तो इसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में कंसेप्ट देने वाली बुक है। वो कुछ कुछ चीजों को स्पेशली, जैसे मैं बायो की बात बताती हूँ, तो बायो में वो क्या करती है एनसीईआरटी, कुछ एक लाइन को उसने मेंशन कर दिया और उस लाइन का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है जो वो आपको आपके टीचर बताते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपको बायो की स्पेशली कंटिन्यू रीडिंग करनी है उन्हीं चैप्टर्स की जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी और प्लस आपको डाउट्स नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? दीदी ये एक प्रश्न था कि जो एनसीईआरटी की अभी जो बुक्स दी गई है उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक, और मतलब मान लो उस बुक में उस चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई और रेफरेंस बुक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सूर्यकांत भैया को डायरेक्ट करती हूं। हां,
मेरे हिसाब से अभी जैसे जो अभी जो चालू हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में भी आप अभी एकदम स्टार्टिंग में मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये किसी बुक से भी आप डायरेक्ट पढ़ना जो है वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। तो बेस्ट तो यही है कि आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना। नोट्स आपके जितने अच्छे होंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई भी बुक में आप पढ़ के डायरेक्टली 11, 12 के कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते, नहीं तो इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती। तो आपको पहले समझना पड़ेगा खुद से, जो भी आप E2s के वीडियोस देख रहे हैं, है ना, जो भी क्लास में टीचर समझा रहे हैं वो आपका प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा। उस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्स को आप नोट करेंगे तो वो नोट्स जो होंगे वो आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन सोर्स है। अब आपके पास हमेशा जो अवेलेबल होगा वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन आपका नोट्स रहेगा, तो वो हमेशा प्राइमरी से इनलाइन रहना चाहिए। मतलब प्राइमरी कुछ है, सेकेंडरी कुछ है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो टीचर्स ने बोला है, जो आपने वीडियोस में देखा है, वही आपके नोट्स में होना चाहिए और वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा। बुक्स जो हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन सोर्स को वेरीफाई करने के लिए, या उसमें कोई डाउट है तो उसको पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स जो हैं वो शायद पहुंच गई हैं, वो प्रैक्टिस के लिए बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी बुक्स, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स होंगी, लेकिन थ्योरी एज सच आपको पढ़ने के लिए बुक्स से अभी एक तो आपको आदत नहीं है, आपने 9-10 तक कभी ऐसा किया नहीं है, और 11-12 की थ्योरी जो है वो पढ़ने से डायरेक्टली समझ में आएगी नहीं आपको। तो थ्योरी का बेस्ट जो जगह है, मतलब आपको अपने टीचर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आपको वीडियोस से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा। आपके नोट्स ही आपके लिए थ्योरी की इन्फॉर्मेशन होंगे, उसको आप वेरीफाई करने के लिए आप बुक्स यूज कर सकते हो। तो अभी जो बुक्स यहाँ गई हैं उनको आप बुक्स, मतलब बुक्स जो है वो सिर्फ आप जैसे कोई डेरिवेशन है उसको आप देख लिए, है ना, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज बुक्स का रीडिंग के लिए नहीं आएगा। क्योंकि अदरवाइज जैसे प्रदीप प्रदीप पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जो कुछ बुक्स हैं वो जेई एडवांस को फोकस में रख के लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पर्पस के लिए हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही में प्रैक्टिस भी तो अरिहंत मास्टर ने एनसीईआरटी बुक रेकमेंड की हुई है भैया ने, तो वो हम फिर बच्चों को सोमवार को उपलब्ध कराएंगे विद्यालय में। वो जो बुक है ना उसमें आपका सफिशियंट थ्योरी है, साथ में सॉल्व एग्जांपल्स हैं और साथ में क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी हमारे लिए बढ़िया बुक है, आइडियल बुक है अभी हमारे लिए, वो हमारा काम चला लेगी अभी। उसके बाद जैसे जैसे अगर अपन को लगेगा कि अपने को ज़्यादा डेप्थ में भी और बुक्स चाहिए तो अपन उसको फिर धीरे धीरे परचेज करते जाएंगे, बट अभी और बुक्स परचेज करने का कोई पॉइंट नहीं है। और दूसरा मैं एक और चीज़ ये बोलना चाह रहा था कि ये माही बेटा के डाउट से एक वो याद आया कि जनरली बच्चे ये करते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा है उससे आप पीछे चल रहे होते हो, बच्चे ऐसा करते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए चौथे चैप्टर में हैं, है ना, मतलब जो वीडियोस चल रहे हैं या स्कूल में जो चल रहे हैं वो चौथा चैप्टर चल रहा है, और बच्चे जो हैं जनरली तीसरे चैप्टर में अटके होते हैं। तो बच्चों ये कभी मत करना कि आप चैप्टर पीछे चलो, जो चैप्टर चल रहा है आपका, आप जैसे मान लीजिए चौथा चैप्टर कल चालू होने वाला है, तो थर्ड चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा कल के बाद 2 दिन तक आप टाइम दो, लेकिन उसके बाद आप साथ में हो जाओ, नहीं तो आपका हमेशा पीछे चलता रहता है और हमेशा आपको कभी भी करंट चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो वो एक लगातार साइकिल बन जाता है कि मेरे को अभी वाला चैप्टर नहीं आता है इसलिए मैं पिछले वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फिर अभी वाला अगली बार नहीं आएगा, जब आगे बढ़ जाएंगे तो अभी वाला नहीं आएगा। मतलब वो एक चेन बन जाती है कि हमको करंट वाला नहीं पढ़ते, हम पीछे वाला पढ़ते रहते हैं, वैसा मत करना बस। मुझे एक डाउट, नमस्ते, आवाज नहीं आ रही थोड़ा और पास आके, आकृति को वो आकृति सॉरी हाँ, मुझे एक डाउट मतलब नोट बनाने का है, तो जब हम कुछ नोट बनाते हैं वो आगे की सामग्री भी देखते हैं, मतलब कोई लोग बस और पास में आ जाते हमारे टास्क,
हमारे चैप्टर जो चल रहा है तो हम उसमें जब नोट्स बनाते हैं तो हम उसमें बेसिकली चैप्टर की समरी लिखते हैं या फिर जो हमें जितना समझ आया वो लिखते हैं या फिर दोनों मिला के जितना जो टीचर बता रहा है जितना हमें ऑलरेडी पता है उसके नॉलेज और फिर उसका समरी भी बना के पूरा लिखते हैं। आप पूछ रही थी नोट्स किस प्रकार के बने ऐसा? क्योंकि मैंने जो भी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं अभी वो मतलब अभी मैंने एक चैप्टर का साइंस का चैप्टर का नोट बना लिया है पर तो उसमें मैं अगर कुछ ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है मुझे समझ नहीं आ रहा तो टेंथ बोर्ड के हिसाब से मैं किस तरह के नोट्स बनाऊं। टेंथ बोर्ड के हिसाब से टेंथ का कोई इलेवेंथ का कोई बच्चा टेंथ वाले को गाइड करना चाहिए वर्षा दीदी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे ये क्वेरी को कि टेंथ के नोट्स कैसे बने? वर्षा दीदी नहीं बेटा टेंथ और इलेवेंथ में थोड़ा तो फर्क हो जाता है टेंथ में क्योंकि आप बोर्ड के अनुसार कर रहे हैं तो जो जिस प्रकार से आप नोट्स बना रहे हो वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो बुक्स के अकॉर्डिंग ही पूरा चलता है। आई थिंक वर्षा दीदी आ गई। वर्षा दीदी जी 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 दीदी एक्चुअली साइंस में ना कुछ 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे तो हमें पूरा चैप्टर का जो मेन पॉइंट जो रहता है ना पूरा उसकी समरी भी लिखनी होती है मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना रहता है तो बीच से भी क्वेश्चंस निकाल लेते हैं बेटा तो हम पूरे नोट्स बुक्स तो पूरे पढ़ने पड़ते हैं और उसकी समरी निकालनी होती है ताकि हम पूरी समरी जब निकालेंगे तो वो कोई भी सा क्वेश्चन करे उसका हम आंसर इजीली वहां पे दे पाते हैं। ठीक है बेटू इधर से इतना ही था जी बेटा जी आप निकाल सकते हैं टीचर्स आपको देंगे भी नोट्स के लिए आपको एक नोट्स दिया जाएगा बट आप अगर बुक से लिखना चाहते हैं है ना वैसे तो हम लोग भी बुक को प्रेफरेंस करके ही क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं बोर्ड्स के और जैसे टेक्स्ट बुक के अलावा भी वो क्वेश्चन ऐड कर देते हैं तो वो जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो आस्क करते हैं ना बोर्ड पे तो वो भी हम एक नोट्स में लिखवाएंगे आपको। आप बना सकते हैं बेटा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना समरी लिखना बट जो बोर्ड के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर देंगे उसको भी आपको नोट डाउन करना होगा आप हर चैप्टर का समरी बना सकते हैं अच्छी बात है आप उसको लिखते हैं नहीं बट तो आप क्लास वर्क में भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें जी दोनों ही क्लास 10th में एक तो आपका जो समरी आप बना रहे हो साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके एडिशनल भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स टीचर्स आपको बताएंगे। बढ़िया और कोई प्रश्न ठीक है तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अदिति दीदी भी थोड़ा अपना रखें वो अपना हमारे बच्चों को 1 साल से पढ़ा भी रहे हैं और साथ ही में खुद भी बहुत रिसेंटली ये सारी प्रक्रिया से गुजरी हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की दुनिया से और डेप्थ की दुनिया से तो वो अपनी बात थोड़ी शेयर करें और फिर विभा दीदी आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमने कोचिंग का और स्कूल का टाइम टेबल इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में बनाया है वो एक बार सभी अभिभावकों के साथ शेयर कर दें। नमस्ते सभी को तो बच्चों के साथ लगभग ये जो 10th की बैच पास आउट हुई तब से मैं लगी हुई हूँ
और बच्चों को जैसे टेंथ के बच्चों का बताऊं जो भी ग्यारहवीं में है, उनका मैंने लगभग हर चैप्टर का 2 बाय टेस्ट किया। तो उनको जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब उनकी स्कूल की एग्जाम थी तो वो लोग ऐसा बोलने आए कि दीदी अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, क्योंकि उनको टेंशन था। और क्योंकि इनका इस बार जब बोर्ड्स थी और 2 बार टेस्ट हो चुका था तो वो एक बार ना बोलने आए और इतना रिलैक्स फील करके वो हर एग्जाम में मतलब इतना खुश थे। तो वो जो प्रेशर होता है वो कम होने से उनका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो लोग अच्छा परफॉर्म भी कर पाते। तो इसी तरीके से हम लोग स्कूल में भी कुछ ऐसी लर्निंग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं। जैसे शुरू में अभी हमने मैथ्स का एक चीज ट्राई किया है जिसमें बच्चों को रोज टेबल्स लिखने होंगे और प्राइम नंबर्स या क्यूब्स या स्क्वायर्स, और उनको बस दिन का 5 मिनट निकालना होगा तो उनका वो रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट्स पे के हम लोग काम करेंगे। एक इंग्लिश है, एसएस है, हिंदी है, तो किस तरह लैंग्वेज भी उनकी ठीक हो और किस तरह उनको जो लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए पढ़ाई में वो भी वो याद रख पाएं और वो अच्छे से उनकी गेम के जरिए या फिर उनको मतलब दिन में ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और उनको अच्छे से वो लर्न भी हो जाए, उस तरीके का हम लोग सोचें। और रही बात ग्यारहवीं की, तो अब अच्छे टीचर्स तो है ही हमारे पास, उसके साथ साथ बहुत अच्छी टीम है जो इन लोग को बैकअप में है और सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स को भी और बच्चों को भी। तो मुझे लगता है ग्यारहवीं में भी इन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और हम लोग मानव तीर्थ में भी हैं जो इनको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, उनको रात में भी आ जाते हैं, दिन में भी आ जाते हैं, कभी भी उनको होता है कुछ भी डाउट तो हम लोग उपलब्ध हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बच्चे कई बार 4 बजे उठकर भी अध्ययनार्थियों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो माहौल तो बन गया है, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब अगले 2 वर्ष कैसा बीतता है ये एक देखने की कड़ी है हमारे लिए। अभ्रभा दीदी, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी एक बारी सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ। हम टाइम टेबल शेयर कर देते हैं और फिर आखिर में कोई और प्रश्न होंगे तो लेंगे, फिर मीटिंग को 1:30 तक क्लोज करेंगे। जी दीदी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। सभी को नमस्ते। अभी 11th के लिए जैसा मैं जनरल टाइम टेबल बताना चाहूंगी तो जून से इनका चलेगा। अभी तो गर्मी के कारण हमारे स्कूल की टाइमिंग कम हो गई है तो उसके हिसाब से हमने टाइम टेबल मॉडिफाई किया है। इसमें जून से जैसे इनके टाइम टेबल फॉलो होंगे उसमें स्कूल के दौरान उनके 7 पीरियड्स होंगे। इसमें इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथ, ये तो रेगुलर पूरे 6 दिन चलेंगे, मंडे टू सैटरडे, और साथ में कोचिंग के 2 पीरियड रोज होंगे। इसकी टाइमिंग होगी 3:30 से इनका 5:30 तक इनका टाइमिंग रहेगा कोचिंग का। तो इसमें विद्यालय के दौरान इनका 7 पीरियड इनके होंगे तो 3 पीरियड तो इनके ये मेन सब्जेक्ट में हो जाएंगे, और इनका वीक में 3 लैब भी होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का लैब, साथ में हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी इनकी लगेंगी। तो उसमें 3 दिन वीकली इनमें इनको 3 पीरियड्स मिलेंगे, हिंदी को और इंग्लिश को, और इनके जो एक्टिविटी वाले पीरियड हैं वो इसमें कम हो जाएंगे। तो ये उनको 3 दिन इनका लैब होगा और 3 दिन एक्टिविटी रहेंगे वीक में, उस हिसाब से ये होगा अल्टरनेट डे में कभी। और कोचिंग में ऐसे है कि जो कोचिंग में जैसे मंडे को कोचिंग के में फिजिक्स केमिस्ट्री हो रहा है तो उसकी रिवीजन की क्लासेज विद्यालय के टाइमिंग के दौरान लगेंगी, तो 2 पीरियड उनका रिवीजन का पर डे रहेगा। तो जैसे मंडे को उनका फिजिक्स केमिस्ट्री हो रहा है तो ट्यूसडे को उसी का जो उन्होंने कोचिंग उनके दौरान जो उन्होंने देखा वीडियोज और तो उसके उसका रिवीजन, उसमें जो भी डाउट्स हैं ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए वो नेक्स्ट डे उसका उसकी 2 रिवीजन की क्लासेस लगेंगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिवीजन की क्लास ट्यूसडे को, तो इसी तरह से जैसे मंडे का रिवीजन ट्यूसडे को हो गया स्कूल के दौरान, फिर ट्यूसडे को जो क्लास लग रही है कोचिंग में उसका वेंसडे को, इस तरह से ये पूरे वीक ये चलेगा। थैंक यू। ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो इसमें ध्यान में रखा गया कि बच्चे कई बारी बच्चों के लिए 2 अलग दुनिया हो जाती हैं, तो
कोचिंग और एनसीईआरटी रेगुलर बोर्ड की पढ़ाई होती है, तो उसको अलग ना करके उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम ले पाए, तो उसके लिए दिन में उनके 3 एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्लासेस रहेंगे, 2 पीरियड रहेंगे जो उन्होंने प्रीवियस डे कोचिंग में पढ़ा उसके रिविजन में, और एक उनका इंग्लिश या हिंदी रहेगा और एक उनका एक्टिविटी या लैब रहेगा। इस प्रकार से उनके 7 पीरियड रहेंगे और फिर लास्ट जो स्कूल के बाद के 2 पीरियड उनके कोचिंग कम्प्लीटली कोचिंग ओरिएंटेड रहेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर मेनली काम किया जाएगा। और ये जो रिविजन पीरियड भी है उसमें यही आशय है कि बच्चा एक तो 1-on-1 अपना डाउट क्लियर कर पाए, साथ में जो एक सेल्फ स्टडी का अभ्यास है वो कर पाए। तो रिविजन सिर्फ डाउट क्लियरिंग नहीं है बट ऑल्सो सेल्फ स्टडी का एक प्रोसेस है। तो उनको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ अटकेंगे, टीचर से पूछेंगे, क्योंकि अब यही 11वीं 12वीं वही है, पूरा सेल्फ ड्रिवन है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है उसकी गाड़ी कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए भी इसको हमने टाइम टेबल में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट किया। तो टाइम टेबल इस पर अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो 1-2 प्रश्न लेते हैं और फिर हम लोग आज की मीटिंग क्लोज करेंगे, या कोई आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहें अभिभावक तो प्लीज आप लोग दीजिए, हमारे लिए ही ये आगे के लिए गति देगा आप लोग माइंड को। हाँ दीदी, बस मैं ये कहना चाह रहा था, जैसा आदित्य दीदी ने बताया अभी कि हॉस्टल्स में ना वो रिविजन्स करा करके कंप्लीट करा दिए थे कोर्स, तो कॉन्फिडेंस बच्चों के एक अलग आ गया था फाइनल एग्जाम के समय में। तो ऐसा ही मैं चाह रहा था कि स्कूल में भी ना इस बार 11th में ना टाइम से पहले ही मतलब कोर्स को हम देख पाए हो पाए तो स्कूल के लिए भी बढ़िया हो जाएगा, वो टाइम से टाइम मतलब कम से कम 1 महीना अपने को पास एग्जाम से पहले ना कोर्स कंप्लीट होने वाला कुछ शेड्यूल बन जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं कहना चाह रहा था इस बारी हम लोगों ने जिस तरह टाइम टेबल बनाया उसमें जनवरी तक पूरा सिलेबस पूरा होगा और फरवरी पूरा रिविजन, या मानिए कोई बच्चा किसी कारण से नहीं आ पाया उसको मेकअप क्लास करा पाना, एंड रिविजन एंड टेस्ट के लिए हमने फरवरी और मार्च का जितना पीरियड हमें मिलता है वो रखा है। एंड अगर कोरोना बीच में नहीं आता तो ये पूरी प्रक्रिया हम बना के रख पाएंगे, पिछले वर्ष उसने काफी डिस्टर्ब किया सभी बच्चों को और नहीं पढ़े, तो इस बारी तो इस तरह प्लान किया। और साथ में ये भी है कि हमें ना कई सारी छुट्टियां बच्चों को नहीं दे पाएंगे, मतलब नेशनल हॉलीडेज में भी कुछ सिलेक्टेड छुट्टियां हैं जो बच्चों को मिलेंगी, क्योंकि नहीं तो जिस प्रकार का सिलेबस है और जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट करें उसको समय नहीं दे पाएंगे, तो उसमें फिर आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा कि आप बुरा ना माने कि हम बच्चों को छुट्टियों को बुला रहे। तो ये एक बारी आप सबकी अगर सहमति भी अभी मिल जाती है तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। जैसे अभी 14-15 को एक्चुअली इनका कोचिंग क्लास होना था बट गर्मी को देखते हुए हमें लगा पेरेंट्स काफी नाराज होंगे कि हम बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, तो अभी अच्छा मौका एक बारी आप लोगों से सुन भी लेते हैं कि अगर हम जैसे उनको नेशनल हॉलीडेज पर भी बुलाते हैं और लोकल हॉलीडेज पर भी तो उसमें आप लोगों का क्या मत है। इनकी जो छुट्टियां रहेंगी वो दिवाली और होली पर तो रहेगी ही, और बाकी सूर्यकांत भैया और अच्छे से बता पाएंगे, बट जो बाकी हॉलीडेज हैं जैसे मानिए कोई जैसे महावीर जयंती थी, अम्बेडकर जयंती थी, यूजुअली इन छुट्टियों को हम छुट्टी नहीं मानेंगे इस कोचिंग के हिसाब से। तो आप लोग की क्या राय है इसमें एक बारी अगर हमें समझ में आ जाता तो अच्छा रहेगा। कोचिंग में दीदी उस तरह का छुट्टी होती नहीं, अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती वही तो, और बस पेरेंट्स भाग ना जाए हमसे नाराजगी में, वो इसीलिए हम चाहते कि एक बारी मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तो बता देता हूँ कि भाई कितने दिन छुट्टी देने हैं, 15-20 दिन मैक्सिमम छुट्टी रहती है पूरे कोचिंग में एक साल में, और 15 दिन को गर्मियों में मिली जाएगी तो बची 5। हाँ तो वही 20 दिन मैक्सिमम है जिसको कि आप छुट्टी ले सकते हैं। तो अम्बेडकर जयंती ऐसे तो भारत में बहुत सारे जयंतियां होती रहती है तो उसमें छुट्टी देते रहेंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे कोर्स को कम्प्लीट, ठीक है, तो वो तो है, इसलिए देखना पड़ेगा वो छुट्टियां भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चे भले ही अपने मनमानी में, जैसे अभी जो है वो रामनवमी था
है ना, तो बच्चे अपने मन से छुट्टी ले लेते हैं, हम कोचिंग बंद नहीं करते, और उनको छुट्टी जाना है तो जाए, अब क्या कर सकते हैं, अब वो जाएंगे एक्चुअली में घर जाते हैं तो 2-3 दिन पहले जाते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं, तो वो आप अगर छुट्टी दोगे तो फिर आप जितना कोर्स है ना, कोर्स इतना बड़ा है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सही से, तो ये तो ध्यान रखना होता है कि हाँ, जैसे अब दीपावली है, जैसे होली है या दुर्गा पूजा है, तो ये जो जेन्युइन छुट्टी है तो उसे देना ही चाहिए, लेकिन हर छुट्टी को कंसीडर नहीं कर सकते, छोटी छोटी को, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर उसमें पेरेंट्स भी कुछ अपना राय रखें तो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, या फिर हम उसको रीप्लान करेंगे जैसा आप बोले। गोपाल भैया, कल्पेश भैया, पंकज भैया, प्रकाश भैया, संजय भैया, हमारे जो पेरेंट्स जुड़े हुए विद्या दीदी, आही बेटा मैंने आपको कर दिया था, आप अनम्यूट कर सकते हो। मासी जी नहीं बोलना था, वो गलती से वो हो गया था ऑडियो। आप पापा ने साथ में? मासी जी मम्मा जी बोलेंगे। अच्छा मम्मा जी, नाम नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी दीदी, अच्छा रहेगा छुट्टियों में भी बच्चों को बुलाने से क्योंकि माई बेटा जी भी रेडी है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद जी। दीदी बढ़िया, और कोई कुछ अपना राय देना चाहेंगे? बढ़िया, सूर्यकांत भैया आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे आज के लिए? नहीं दीदी, बढ़िया है, बस बच्चों को बस अपना वो मतलब वो अच्छे से रखना है, एनर्जी लेवल है ना, पढ़ाई है और कुछ नहीं है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, आप मन लगा के करोगे, धीरे धीरे शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा उसको लेके भी परेशान नहीं होना है, आप ऐसा समझो पहले शुरू शुरू में 20-25% भी समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, धीरे धीरे 50% समझ में आएगा, आप 11वीं खत्म करते करते तक फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको 70-80% समझ में आने लगे, पर 9वीं-10वीं जैसा नहीं है कि आपको पूरा कोर्स 100% हमेशा समझ में आएगा, तो आपको 100% का नहीं सोचना है, आप 70-80% समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया इनपुट है, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही ये घटना घटी कि एक क्लास के बाद इन लोगों का उत्साह पूरी तरह टूट गया, इनसे नहीं बनेगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, और वही है 3 महीने तो देने पड़ेंगे अपने आप को उसको सेट होने में। हाँ, समझ नहीं आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आप शुरू में बस सुनिए लिखिए है ना, जब समझ में आना चालू होगा तो आप जो लिखे हुए हैं आप उसको पढ़ पाएंगे, तो अभी आपका मेजर काम है आप अच्छे से नोट्स बनाइए, जितना हो सकता है समझ में आ रहा है उसको लेके खुश रहिए। शुभा बेटा आप हो ऑनलाइन? हाँ, मम्मी आ गए क्या? हाँ, वो अगर रखना चाहे उनसे बात नहीं हो पाई थी। नमस्ते, नहीं मैं तो सब ठीक, आप लोग जो सोचोगे सब ठीक ही रहेगा। तो बच्चों को छुट्टी पे बुलाने पे आपका क्या राय है? आप लोग ने जो डिसाइड किया वही ओके। ठीक है बाबू, ओके। शुभा आपका कोई प्रश्न बेटा? अभी तक तो नहीं है, अभी सब पढ़ाई बेसिक चल रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मन लगा डेली पढ़ पाऊँ, अब आगे प्रॉब्लम आएगी तो मैं पूछूंगी।
चलिए सभी का इसी के साथ मैं इसको क्लोज करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पेरेंट्स के लिए खास खास धन्यवाद कि आप हमें इतना कि आप हमें कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। हमारे मेंटर्स जो इतना और होते हुए भी हैं, विकास भैया का हाथ देते रहे और यहाँ की जो अध्ययनार्थी लगभग 14 या 15 घंटे लग रहे हैं क्योंकि उनका मानव तीर्थ भी उतना ही लोड है जितना विद्यालय में विद्यालय में। और हमारे टीचर्स जो दिन भर अलग अलग जगह अलग अलग तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बहुत शुभकामनाएं। 2 वर्ष आपके लिए एंजॉय करो। ये डेप्थ आपको बहुत लगेगा। मैंने नहीं किया लगता है मुझे लगना चाहिए था सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।